अगर आप आ रहे हो KLIA 2, अगर टर्मिनल 2 में आ रहे हो, तो आप लेवल 1 में आके, लेवल 1 के एग्ज़िट के पास आके, यहाँ से आप बसेस ले सकते हो। 15 रिंगिट लगता है यहाँ से बस का KL सेंट्रल जाने के लिए, और KL सेंट्रल से आप आसानी से कहीं के लिए भी मेट्रो ले सकते हो। तो ये है हमारी बस, और चलो इसके अंदर चलते हैं। और ये है इसका टिकट जो मैंने 15 रिंगिट में ख़रीदा है। तो मैं मेट्रो लेके आ गया हूँ पवेलियन मॉल में, ये बुकिक बिंतांग में है, और ये एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट भी है, लार्जेस्ट तो नहीं है बट वन ऑफ द लार्जेस्ट शॉपिंग मॉल है। बहुत सारे ब्रांड्स हैं यहाँ पे, और ये जो कैमरे से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो भी मैंने इसी मॉल से ख़रीदा था, पवेलियन मॉल से। तो यहाँ तक मैं मेट्रो से आया, और यहाँ की मेट्रो की बात करूँ तो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग है। यहाँ पे 3-4 अलग अलग कंपनीज है शायद, कोई MRT है, कोई LRT है, उसके अलावा KL कंप्यूटर है, रैपिड KL है, और मोनो रेल भी है। तो ये सब अलग अलग कंपनीज़ है, कुछ अंडरग्राउंड चलती है, कुछ ऊपर भी चलती है, ऐसा है। लेकिन आपको टिकट एक ही लेना पड़ता है। अगर आपको लाइन चेंज करना है, अगर आप फॉर एग्जांपल रैपिड KL से आप अगर MRT जा रहे हो, तो आप ऐसा नहीं है कि आपको दो अलग अलग टिकट लेनी पड़ेगी, टिकट एक ही होता है। तो आप एक बार गूगल मैप्स में आप एक बार देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, उतना भी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा कन्फ्यूजिंग है बाकी दूसरे सिटीज़ से, थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। तो आपको मैंने दिखाया था कि मैं डमास्कस करके एक रेस्टोरेंट है वहाँ गया हुआ था, तो वहाँ से मैंने ये शवरमा लिया है। तो मेरे को यहाँ वहाँ का शवरमा बहुत पसंद है, मैंने चिकन शवरमा लिया विद एक्स्ट्रा हमस लार्ज साइज़, और ये मेरे को पड़ा आई थिंक 17 रिंगिट्स का पड़ा, ये मेरे को 2 रिंगिट एक्स्ट्रा लगा हमस का। तो ऐसा है, तो चलो इसको जल्दी से खाते हैं और फिर आगे निकलते हैं। तो मैं पवेलियन मॉल के बाहर आ गया हूँ, और ये कुछ ऐसा दिखता है बाहर से। वैसे तो यहाँ पे बहुत तेज़ धूप होता है KL में, लेकिन आज यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल भी धूप नहीं है, थोड़ी ह्यूमिड है, लेकिन KL के हिसाब से ही अच्छा मौसम है। और मैं सोच रहा हूँ अब यहाँ से मेडिका स्क्वायर जाने का, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तो बस यहाँ से कुछ एक बार पीने का लेता हूँ और यहाँ से चलते हैं मेडिका स्क्वायर। मेडिका स्क्वायर वो जगह है जहाँ पे मलेशिया का इंडिपेंडेंस जो है वो डिक्लेयर हुआ था, आई थिंक 1957 में हुआ था, मैं आपको एक बार कंफर्म करके बता देता हूँ। और बस चलते हैं, और तब तक आप सामने का देख लो। ऑल्सो वो जो बिल्डिंग दिख रही है वो वर्ल्ड की 2nd टॉलेस्ट बिल्डिंग है। सेंट्रल मार्केट में कुछ ऐसा दिखता है बाहर से, और मेडिका स्क्वायर जाने के लिए पैदल पैदल में चल ही रहा था, तो ये रास्ते में आ गया। यहाँ से करीब 500 मीटर और है, तो सोचा चलो पहले सेंट्रल मार्केट ही घूम लेते हैं, फिर उसके बाद चले जाएंगे मेडिका स्क्वायर। तो ये है सेंट्रल मार्केट, यहाँ पे आपको छोटी मोटी चीज़ें मिल जाएगी, जूस हो गया या नॉर्मल काम की जो चीज़ें हो गई। और ये आउटडोर है, इसके अंदर भी जाएंगे अभी हम।
मार्केट अच्छा है, लेकिन हम अभी बैठेंगे उसके बाद एक और जगह जाएंगे पेटलिंग स्टोर, वो आई थिंक इससे थोड़ा ज़्यादा चीप और वहाँ बार्गेनिंग बहुत होती है। तो आई थिंक अगर आपको प्रॉपर शॉपिंग करनी है तो पेटलिंग स्ट्रीट एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, नहीं तो आप सेंट्रल मार्केट भी आ सकते हैं। आप दोनों जगह ही है, दोनों अगल बगल ही है, यहाँ से पेटलिंग स्ट्रीट होगा अराउंड 500 मीटर्स, तो मेडिका स्क्वायर के बाद हम वहीं जाएंगे। तो मैं आपको पेटलिंग स्ट्रीट भी दिखाऊंगा, वहाँ आई थिंक थोड़ा ज़्यादा सस्ता मिलेगा यहाँ पे, लेकिन आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जो आपको पेटलिंग स्ट्रीट में नहीं मिलेगी। तो बस यही हिसाब किताब है। तो यहाँ पे एक बंदा जो है पेंटिंग बनाने लग रहा है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पेटलिंग स्ट्रीट में नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपको कपड़े वगैरह चाहिए, बैग्स चाहिए या कोई भी सोविनियर चाहिए लाइक फ्रिज मैग्नेट्स की चेन, तो उसके लिए आई थिंक पेटलिंग स्ट्रीट इज़ अ बेटर ऑप्शन। तो फाइनली हम आ चुके हैं पैडिका स्क्वायर पे, और ये वही जगह है जहाँ पे मलेशिया को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया गया था 1957 में। और आगे का मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी यहाँ पे बहुत सारे पुराने पुराने बिल्डिंग्स हैं लाइक पुराने पोस्ट ऑफिसेस वगैरह जो अब बंद हो चुके हैं, नेशनल टेक्सटाइल म्यूज़ियम भी है, ये सब बंद हो चुके हैं, लेकिन ये सब पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं, पुराने बिल्डिंग्स हैं मलेशिया के। और आगे पोस्ट ऑफिस भी है जो बंद हो चुका है। तो मैं लास्ट टाइम आया था जब मलेशिया आया था, तो टूर गाइड के साथ आया था, उसने मुझे ये सारे डिटेल्स दिए थे। चलो आगे देखते हैं, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। यहाँ पर एक क्रिकेट फील्ड भी था, आगे देखते हैं शायद होगा। ये जो फ्लैग आप देख रहे हो ये 95 मीटर्स का फ्लैग है, तो यही वो ग्रीन पिच है आई थिंक जहाँ पे ब्रिटिशर्स के समय जो है यहाँ क्रिकेट ग्राउंड हुआ करता था ये। और अभी तो फ़िलहाल सामने में हमारे टेनिस का मैच चल रहा है, आई थिंक मलेशिया वर्सेस आई थिंक चाइना है, काफ़ी दूर है तो मुझे दिख नहीं रहा है। हाँ, तो ये मलेशिया वर्सेस चाइना का कुछ बैडमिंटन मैच चल रहा है, नॉट टेनिस, और कोई फाइनल है, नॉट श्योर क्या है। लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आ गए हैं, काफ़ी लोग सपोर्ट कर रहे हैं मलेशिया को। तो मैं इस वक्त आ गया हूँ पेटलिंग स्ट्रीट में, और यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, घड़ी, कपड़े, जूते, बैग, सब कुछ। लेकिन आपको यहाँ पर काफ़ी बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई किसी चीज़ का बोल रहा है 50 रिंगिट्स, तो आप उसको सीधा बोलो 25 रिंगिट्स, तभी आपको वो जाके सामान आपको 30-35 रिंगिट्स के आसपास मिलेगा। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बार्गेनिंग करना पड़ता है, और अगर आपके पास अच्छी बार्गेनिंग स्किल्स है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे सब कुछ काफ़ी अच्छे प्राइस में ले सकते हो। ये देखो बैग्स वगैरह मिलने लग रहे हैं, बाकी खाने पीने का भी कोकोनट वाटर वगैरह मिल जाएगा, सोविनियर्स वगैरह भी मिल जाएंगे, लेकिन मेक श्योर आप यहाँ पे अच्छे से बार्गेनिंग कर रहे हो। ये
ये जो तीनों जगह है सेंट्रल मार्केट, मेडिका स्क्वायर और मेटलिंग स्ट्रीट, ये तीनों आसपास ही है। आई थिंक 500 मीटर भी नहीं होगा ये तीनों का डिस्टेंस एक दूसरे से। और कुआलालंपुर भी उतना कोई बड़ा शहर नहीं है, आप कहीं भी मेट्रो से जाते हो, 3-4 मेट्रो स्टेशन पर कहीं भी पहुंच ही जाते हो। लेकिन ये तीनों एक जगह पर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। इसके बाद अब हम यहाँ से जाएंगे KLCC जहाँ पे पेट्रोनस ट्विन टावर है, और रात को फिर हम जा सकते हैं बुकित बिंतांग। तो यार ये था पेटलिंग स्ट्रीट मार्केट, सेंट्रल मार्केट और मेडिकल स्क्वायर। ये दोनों जो मार्केट्स हैं ये काफ़ी फेमस हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं KLCC जहाँ पे हम लोग देखेंगे पेट्रोनस ट्विन टावर्स और KLCC पार्क। तो चलो जल्दी से चलते हैं। मैं यहाँ पे आ चुका हूँ मेट्रो स्टेशन पे जो एकदम बगल में ही है पेटलिंग स्ट्रीट के, इसका नाम है पसार सेनी। तो ये मैं आ चुका हूँ MRT पसार सेनी, जल्दी से चलते हैं KLCC। तो यार ये जो तुम लोग ये बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये वहीं पे है पेटलिंग स्ट्रीट के बहुत पास में है। ये वर्ल्ड का, उस समय तुम लोग को दिखाना भूल गया था, ये वर्ल्ड का दूसरा सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा के बाद। इस वक्त मैं आ गया हूँ पेट्रोनस ट्विन टावर KLCC पे। मेरे पीछे जो है ये सूर्या KLCC मॉल, और आपको मैं दिखा रहा हूँ पेट्रोनस ट्विन टावर्स, और यहाँ पे मॉल है, उसके अलावा पीछे KLCC पार्क है। अभी वहाँ भी चलते हैं, तब तक आप व्यूज़ को एंजॉय करो। यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे मोस्टली जितने भी गार्ड्स हैं, चाहे आप मॉल हो गया या किसी भी आप मेट्रो स्टेशन में जाओगे, सारे गार्ड्स या तो इंडिया के हैं या तो नेपाल के हैं। और सामने, वो सामने का व्यू था, मैं अगर पीछे जाऊँगा तो वहाँ पूरा KLCC पार्क है, वहाँ से पेट्रोनस ट्विन टावर का सबसे अच्छा व्यू वहीं से आता है KLCC पार्क से। और ये है सूर्या KLCC मॉल। तो आप सूर्या KLCC मॉल से आप जा सकते हो पेविलियन मॉल जो बुकित बिंतांग में था, जो आज हम दोपहर में कवर कर रहे थे, वहाँ तक आप पैदल जा सकते हो। तो यहाँ पे एक ब्रिज बना हुआ है, आप KLCC पार्क में जाके किसी भी गार्ड से पूछोगे तो आपको बता देगा कहाँ से, तो आपको सीधा ले जाएगा पेविलियन मॉल बुकित बिंतांग। वो एक एरो ब्रिज है, AC वगैरह लगा हुआ है वहाँ पे, आप सिटी का व्यू देखते देखते पैदल जा सकते हो। करीब करीब 1 से 1.5 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा। तो ये है KLCC मेरे पीछे, आप देख सकते हो पीछे है KLCC पार्क, और यहाँ है वाटर फाउंटेन, और मेरे जस्ट सामने है पेट्रोनस ट्विन टावर। तो ये मेरे पीछे है पेट्रोनस ट्विन टावर्स, और जो मैं आपको बता रहा था यहाँ से ब्रिज है पेविलियन मॉल जाने के लिए, वो आपको यहीं से आना है सीधा KLCC पार्क की तरफ, और आप सीधा सीधा जाओगे तो जैसे वहाँ पे है पेट्रोनस ट्विन टावर, आपको बस इधर से आना है KLCC पार्क के, और इधर से और आगे निकल जाओगे तो आपको मिल जाएगा, आपको मिलेगा एक्वेरिया KLCC, और वहीं से आपको ब्रिज भी मिल जाएगा जो सीधा पेविलियन जाता है। और ये है KLCC पार्क। यार ये काफ़ी खूबसूरत जगह है, यहाँ आप जब भी आओ इवनिंग के समय आना, ताकि आपको दिन का भी नज़ारा मिल जाए, और रात में जब इसकी लाइट्स ऑन होती है तो ये और अच्छा लगता है। यहाँ पे वाटर फाउंटेन शो वगैरह होते रहते हैं, नॉर्मल सा है। ये देखो शुरू हो गया, क्या बात है। और बस यही है, एक पार्क है जहाँ से आपको पेट्रोनस ट्विन टावर दिख जाएगा अच्छे से। बस इतना ही है। वायर यहाँ तो बच्चे बूढ़े सब खेल रहे हैं, सामने पूल है और उधर पार्क भी है बच्चों का झूला वगैरह झूलने के लिए। यहाँ पे काफ़ी अच्छे से आप समय बिता सकते हो।
यहाँ पे लिखा ज़रूर है नो शूज़ बियॉन्ड दिस पॉइंट, लेकिन मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग जूता पहने हुए हैं, तो ये है। तो इस वक्त मैं आ चुका हूँ जलन आलोर फूड स्ट्रीट में, और कुआलालंपुर में ज़्यादा कुछ है नहीं नाइट लाइफ के नाम पे, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ पे खाने का सब कुछ मिल जाएगा, वेजिटेरियन से लेकर नॉन वेजिटेरियन सब कुछ ऑप्शन मिल जाएगा। मोस्टली खाना चाइनीज़ है या मलेशियन है, पर वेजिटेरियंस के लिए भी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे नॉन वेज में चिकन भी बहुत कम मिलता है, स्क्विड वगैरह मिलता है, सी फूड काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, तो ऐसा कुछ सीन है यहाँ पे। इंग्लिश में बहुत ही कम चीज़ लिखाया हुआ है, जिसके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होगा। काफ़ी सारे चाइनीज़ रेस्टोरेंट हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आता है कि क्या मिल रहा है। थोड़े कम ऑप्शन है वेजिटेरियंस के लिए, या जो चिकन सिर्फ खाते हैं उनके लिए भी थोड़े कम ऑप्शन है, लेकिन अगर आप देखोगे मार्केट तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। और यहाँ पे खाना सस्ता है यार, जूस वगैरह यहाँ पे 10 रिंगिट के मिल रहे थे, और मॉल में जब मैं था KLCC मॉल पे तो 15 से 17 के रेंज में थे वहाँ पे जूसेस, तो सस्ता तो है यहाँ पे काफ़ी। यस प्लीज। दिस इज फॉर 3000 रिंगिट्स। ये मैं दूसरे स्ट्रीट में आ गया हूँ, इसी के बगल में स्ट्रीट है JLN बुकित बिंतांग नाम है स्ट्रीट का, और ये भी काफ़ी हैपनिंग स्ट्रीट है। आप यहाँ पे आपको बहुत सारे मसाज पार्लर्स वगैरह मिलेंगे, इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, और भी कुछ रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, फ्राइज और शॉपिंग के लिए भी काफ़ी कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। 7-Eleven भी है, और मनी एक्सचेंज मुझे दिख रहा है, कैप्सूल होटल्स और यही सब हैं। तो आप ये वाले रोड में भी आ सकते हो, ये भी काफ़ी हैपनिंग है। थैंक यू। और ये है बुकित बिंतांग रोड, JLN बुकित बिंतांग। यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट भी है काफ़ी सारे, और अगर आप पीछे चले जाओगे तो सामने जो है पेविलियन मॉल आएगा, वो बहुत सुंदर रोड है। अभी चलो वहीं चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ भी कैसा लगता है। यहाँ पे भी काफ़ी सारे शॉप्स हैं, सोवीनियर शॉप्स वगैरह हैं, तो ऐसा कुछ है। और वो सामने जो है बिल्डिंग सबसे लास्ट में, वो है पेविलियन मॉल। आपको याद होगा हम यहाँ सुबह आए थे, दोपहर को आए थे, और ऐसा कुछ है यहाँ का नज़ारा। और ये देखो सोवीनियर्स वगैरह मिल रहे हैं, फ्रिज मैगनेट्स, की रिंग। ये आज की वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबा हो गया होगा, और यहाँ भी 8 बज गए हैं, और आई थिंक मेरे को एयरपोर्ट से निकलना चाहिए। एयरपोर्ट से मैं बस ले लूँगा KL सेंट्रल से, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको लगा कि अगर मैं इंफॉर्मेशनल वीडियोस बना रहा हूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और भी मलेशिया की काफ़ी सारी वीडियोस हैं जो मैं इस चैनल पर डालूँगा, तो आप उसको भी चेकअप कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन बाय।